तो हमने देखा कि WHO में वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। भारत अपना जो भारत है, भारत भी इस WHO का सदस्य है। भारत भी WHO का सदस्य देश है। भारत भी WHO का सदस्य देश है। भारत में जो WHO का मुख्यालय है, यानी कि अपने कंट्री के अंदर जो इसकी ब्रांच बनी हुई है, वो है नई दिल्ली में। भारत देश में WHO शाखा रूप में मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली। भारत में जो WHO के रूप में जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। ध्यान रखें, भारत देश में WHO शाखा रूप में जो मुख्यालय बना हुआ है वो है प्यारे विद्यार्थियों नई दिल्ली के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अपना जो WHO है ये क्या काम करता है, कार्य क्या करता है। तो इसके कार्य को गौर से सुनना। कार्य, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि WHO क्या करता है। सभी देश, जो भी इस दुनिया में कंट्री है, सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग करता है। हर कंट्री के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बीमारी की रोकथाम, नवाचार, उपचार, उसकी थीम बनाना, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, उस बीमारी के लिए कोई भी मानक तय करना, उस बीमारी की अलर्ट के लिए कोई भी चिन्ह बनाना, ये सब जो तमाम कार्य होते हैं ये WHO करता है। और इस WHO के द्वारा ही हर बीमारी का दिवस, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बोला, हर बीमारी का दिवस, हर बीमारी की थीम, हर बीमारी की पूरे देश के अंदर पूरे वर्ष में जितने भी दुनिया में कंट्री हैं, उन कंट्रियों में हर वर्ष के अंदर कितनी बीमारियों की रोकथाम हुई, कितनी बीमारियों को जड़ से मुक्त किया गया, कौन से देश को किस बीमारी से मुक्त होने का अवार्ड या दर्जा दिया गया, इन सब की जो अपने पास में कमान है वो है WHO के पास। तो जितने मैंने शब्द बोला वो तो मैं यहां पर लिख नहीं पाऊंगा, दो मूल बात लिखूंगा, सभी बीमारियों के स्वास्थ्य संबंधी मानक तय करना, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी मानक तय करना, स्वास्थ्य संबंधी मानक, स्वास्थ्य संबंधी मानक तय करना, स्वास्थ्य संबंधी मानक तय करने का कार्य करता है। और इसके अलावा क्या करता है अपने ये जो WHO है, तो ध्यान से देखिए। दूसरा मैं यहां पर कार्य लिख रहा हूं, बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान, बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। तीसरा काम करता है स्वास्थ्य संबंधी दिवस घोषित करना। तमाम कार्य करता है, जैसे कि अभी मैंने बोला, उन सबको लिखना नामुमकिन है यहां पर, क्योंकि आपने सुन ही लिया। लिखना नामुमकिन तो क्या मुमकिन है, लेकिन आपने सुन लिया, अच्छी बात है। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। WHO का अपने पास में जो पूरा नाम है वो मैंने बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
इसका हिंदी में नाम क्या है? आप जहां भी बैठे हैं मेरे साथ में जरूर बोले, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इस 7 अप्रैल की डेट को अपन क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका मुख्यालय है जेनेवा शहर स्विट्जरलैंड में। इसका वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रेयेसस। टेड्रोस से पहले महानिदेशक थे WHO के मार्गरेट चैन। WHO के महानिदेशक का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत की पहली महिला जिनको WHO में डिप्टी जनरल बनाया गया वह है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। WHO में वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं, जिनमें एक अपना भारत भी है। भारत देश में WHO का जो शाखा रूप में मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। ये WHO क्या करता है? इसके कार्य मैंने लिखे। स्वास्थ्य संबंधी मानक तय करता है, बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। जैसे हाल ही में चीन में जो कोरोना वायरस की बीमारी पनपी, उसको WHO ने इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कर रखा है। और WHO स्वास्थ्य संबंधी दिवस घोषित करता है, स्वास्थ्य संबंधी थीम बनाता है। WHO तमाम प्रकार की अपने हेल्थ से जुड़ी जो भी विषय होते हैं उनके लिए कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको WHO पूरा समझ में आया होगा और आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता ही रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।